ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं आपके साथ माहिरा गौहर। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मॉनसून का प्रभाव बना हुआ है। लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। लगातार बारिश के बाद पटना समेत कई जिलों में जल जमाव जैसे हालात बन गए। यहाँ तक कि गंगा का पानी सड़कों पर आ चुका है। कई जगह ऐसे भी है जहाँ बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तापमान में गिरावट के बाद आज का अधिकतम तापमान जहाँ 32 से 34 डिग्री के आसपास होगा, वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के आसपास होगा। आज बारिश से किन जिलों को मिलेगी राहत और कहाँ आज भी पानी भर पाएगा कह, आज जानेंगे मौसम के हाल में। तो सबसे पहले जान लेते हैं मौसम विभाग ने किन जिलों को लेकर आज अलर्ट जारी किया है। बता दें इनमें उत्तर के जिले शामिल हैं और यहाँ गरजेंगे बादल और साथ ही बारिश होने की भी संभावना है। वहीं दक्षिण मध्य जिनमें आने वाले जिले राजधानी पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद शामिल हैं। इन जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व यानी भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में आज मॉनसून एक्टिव रहेगा। भारी बारिश के साथ बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना यहां भी है। अगर बीते 48 घंटे की बात करें तो पटना सहित अन्य जिलों में बारिश देखी गई, पर कटिहार के कुर्सेला में 84 mm सबसे ज्यादा अधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं पटना में 27.7 mm बारिश दर्ज की गई। बिहार में मॉनसून की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। अगले 5 दिनों तक बिहार का मौसम खुशनुमा बना रहेगा। अलग अलग इलाकों में बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्ण अनुमान जारी किया जा रहा है। IMD के मुताबिक आकाशीय बिजली गिरने और नदियों के जलस्तर बढ़ने के संकेत हैं। सूबे की नदियां जबरदस्त उफान पे हैं। कई प्रमुख नदियां लाल निशान के पार दिख रही हैं। फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। गर्मी से अभी भी राहत रहेगी। 15 अगस्त तक अनुमान है कि बादल छाए रहेंगे और मॉनसून सक्रिय रहेगा। मौसम के मिजाज को देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि मौसम खराब होने पर घरों से बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे ना खड़े हों क्योंकि इस हालात में बिजली गिरने की भी संभावना है। ये सारी जानकारी मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई है। आखिरी वक्त पर इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ बिहार तक।